सो अब मोस्ट ऑफ द बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, 26 25 बच्चे एक्चुअली ज्वाइन हो चुके हैं। सो नाउ वी कैन स्टार्ट, यस और नो? जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा मॉनिटर करना कि कौन से बच्चे क्लास में हैं कौन से नहीं है। आशुतोष, अमृत, सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे। विवेक कुमार, अंशु, अंजलि, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। ओके, कुछ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म कीजिएगा आप लोग विजिबल है या नहीं। आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, सो आई होप हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ओके, सो टॉपिक हमारा क्या है आज का? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, क्लियर? सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, एल्गोरिथम है क्या, तो किसी को कोई आइडिया एल्गोरिथम के बारे में? व्हाट इज एल्गोरिथम? एनीवन, जिन्हें कुछ आइडिया वो हैंड रेज कर सकते हैं, ऑप्शन है इसमें, थम्स अप कर सकते हैं। ओके, यस आदित्य सर, वे टू राइट द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी गुड। यस जय, यस सर, द सेम, द वे टू राइट द स्टेप्स केम इन माइंड फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, वी यूज एल्गोरिथम। फर्स्टली वी राइट द एल्गोरिथम। ओके, तो आई थिंक सारे बच्चे का सेम आईडिया है। यस यस, सवाल नंबर 58। Yes, sir. Step by step procedure for writing any calculations of any problem. I think सबको पता है algorithm है क्या, but मैं quickly बताऊंगा फिर algorithm के type क्या क्या होते हैं, कैसे algorithm write करते हैं। ठीक है, चलिए, सबको पता है algorithm लिखते क्यों है हम? किसी भी problem को solve करने के लिए, है ना, किसी भी task को solve करने के लिए, किसी भी problem को solve करने के लिए हम algorithm लिखते हैं। और solve कैसे करते हैं उस task को? स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एल्गोरिथम। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ओके, चलिए, तो फिलहाल एल्गोरिथम, algorithm is a step by step method, step by the method of simply you can write step method, method to solve a problem. एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मैथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप मैथड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात, आपको कोई टिकट बुक करना है या आपको कॉलेज जाना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं?
आप मॉर्निंग में उठते हो, है ना, फ्रेश होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और देन आप कॉलेज के लिए ऑटो या जो भी है व्हीकल्स से आप जाते हो, यस ना? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हुआ। वैसे ही किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना होता है, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ सिक्वेंस ऑफ steps to be followed to solve a problem। तो आप सिंपल एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, तो ये डाउट होगा तो हैंडल्स का ऑप्शन हैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो कितने तरीके से हम एल्गोरिथम को राइट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? उसके फर्दर दो तरीके हैं। तो एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, टॉपिक क्या निश्चित हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम मतलब एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो मेथड्स हमारे पास है। क्या है? दो मेथड्स हमारे पास। एक मेथड, जो देखो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक में जाओगे ना तो बहुत चीजें लिखी होती है, लेकिन जो ऑथराइज और सबसे जो बेस्ट बुक होता है, जो जहां पे मैं कहता हूँ जो सही सही है, वहां पे एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक पहला होता है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड। क्या होता है? स्यूडो कोड। क्या होता है? स्यूडो कोड। और सेकेंड जिसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, आपने नाम सुना होगा फ्लो चार्ट। स्यूडो कोड फर्स्ट क्या है आपका, स्यूडो कोड, और सेकंड क्या है, फ्लो चार्ट। समझिए यहां पे स्यूडो कोड क्या होता है, है ना? सो बेसिकली स्यूडो कोड क्या, जब हम जैसे हम लोग इंग्लिश में राइट करते हैं ना, तो इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह यदि हम किसी स्टेप्स को राइट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड, जो आप इंग्लिश में लिखते हो। जैसे मैंने अभी कुछ भी लिखा कि जैसे मैं दो नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले टेक फर्स्ट नंबर, स्टेप टू में क्या होगा, टेक सेकंड नंबर, देन परफॉर्म एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, देन स्टोर द रिजल्ट, ऐसा बताऊंगा मैं। तो ये तो जो हम बता रहे हैं वो क्या इंग्लिश लाइक वर्ड में ही लिखेंगे ना इसको, और इसी को कहते हैं स्यूडो कोड कहते हैं। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो शॉर्ट में कि ये क्या होता है, इंग्लिश लाइक वर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? इंग्लिश लाइक वर्ड या फिर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज कह सकते हो आप इसको। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, उसी को स्यूडो कोड कहते हैं। एक्चुअली कोड मतलब क्या हुआ, कोड जो आपका एक्सक्यूट होता है, समझिए कोड क्या होता है, आपका एक्सक्यूट होता है, वो भी आपके इंग्लिश लाइक वर्ड की जैसा ही होता है, जो आप प्रोग्रामिंग पाइथन में, सी में, सी प्लस प्लस में लिखते हो, है ना? तो यहाँ पे जो इंग्लिश लाइक वर्ड है आपका, ये भी इंग्लिश लाइक वर्ड के फॉर्म में होगा, बट डिफरेंस ये स्यूडो कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सक्यूट आप कर नहीं सकते, ये बस समझने के लिए है ना, तो इसीलिए इसको स्यूडो कोड कहते हैं। नाउ कम टू द फ्लो चार्ट। ये क्या होता है, कोई बताओगे आप में से, व्हाट इज फ्लो चार्ट, एनीवन? यस यस अभिषेक, फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आई थिंक सबका सेम आंसर होगा। यस विवेक,
हाँ सबका आंसर सेम होगा आई थिंक, ठीक है तो सही बताया आपने, इट इज अ पिक्टोरियल और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है ना, सो यू कैन राइट ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना हम यहाँ पे है ना, और दोनों क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड ही है, इसमें भी हम स्टेप्स लिखते हैं इसमें भी स्टेप्स होते हैं, बस यहाँ जो स्टेप्स होता है वो सीडो कोड के फॉर्म में होता है, यहाँ जो स्टेप्स होंगे वो ग्राफिकली फॉर्म में होता है, क्लियर है? तो आई थिंक कि एल्गोरिदम क्या है समझ में आया आपको, एल्गोरिदम के टाइप्स के बारे में समझ में आया आपको, कैसे एक्चुअली टाइप नहीं कह सकते रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, हम एल्गोरिदम को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फर्स्ट ये मेथड है और सेकंड मेथड है आपका फ्लोचार्ट के आपसे। आप इसका यूज कहाँ करोगे, जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे तो वहां भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्टिंग में आपको एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट बताए जाते हैं, यस नो, ताकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो कोड जब राइट करते हो कोड लिखने से पहले आपको क्या करना होता है, एक स्टूडियो कोड तैयार करो, जब भी आपको कोई टास्क नया प्रोग्राम मिलेगा आप डायरेक्टली कोड करना शुरू नहीं करोगे ना, आप पहले क्या करोगे उसके लिए एल्गोरिदम लिखोगे, देन उसके अकॉर्डिंग आप, अब देखो एक चीज और आप कभी सोचे हो आपकी प्रोग्रामिंग हम किसका कर सकते, क्या हर चीज को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्या प्रोग्रामिंग हम हर जगह यूज कर सकते हैं, क्या हर एक प्रॉब्लम्स को मैंने जो बताए थे आपको कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्या रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको क्या हम कोडिंग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए जो हंग्री मतलब ये जो भूख होता है क्या उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या फ्लड सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछोगे सर वो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, यस वैसे प्रॉब्लम्स जिनके लिए हम एल्गोरिदम राइट कर सकते हैं है ना, जिनके लिए हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं वैसे प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली आप कह सकते हो, मान लीजिए आप प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम तो वही हुआ ना जिसको आप सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप मेथड से ढूंढ लोगे और फिर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, आपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप मेथड से राइट डाउन कर लिया तो आप चाहो तो उसको सी में भी लिख सकते हो, C++ में भी लिख सकते हो और पाइथन में भी लिख सकते हो, यस सर नो, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है यस सर नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें, तो इसीलिए आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो एल्गोरिदम मैटर करता है ना, आपने कभी सुना है प्रोटोटाइप होता है या जो बड़े बड़े चीजें जो बनाए जाते हैं उसका पहले एल्गोरिदम ही तैयार किया जाता है ना, प्रोटोटाइप जो कहते हो उसके बेस पे फिर आपको सब सारी कंपनी अपना अपना बनाती है प्रोडक्ट्स पे बनाती है, ठीक है तो यही है। अभिषेक ने कुछ पूछा है आई थिंक उसको मैं अनम्यूट कर दिया, अभिषेक सर जैसे हम वर्ड यूज करते हैं बार बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर अंतर क्या है सर? देखिए जनरली मैं सिंपल डेफिनेशन सिंपल बताऊ ना बेसिक डिफरेंस, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं ना जैसे वेब पेजेस डिजाइन करना है आपको तो वहां पे यूज करते हैं उसको, दूसरी बात वो ब्राउजर में रन करते हैं ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसको हम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है, yes, जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जैसे वो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, और जो हम स्क्रिप्टेड लैंग्वेज जैसे आप HTML हो गया CSS हो गया PHP हो गया ये सारे क्या है इसको हम प्रोग्रामिंग के लिए मतलब वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यानी ब्राउजर में सारे कोड रन करते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है, और भी बहुत डिफरेंसेस हैं जो कि अभी आपको पॉसिबल नहीं है समझना तो मैंने सिंपल में बताया, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। तो अब हम चलते हैं स्यूडो कोड कैसे लिखते हैं, एक प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे स्यूडो कोड हम कैसे लिखते हैं ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ, सिंपल सा प्रॉब्लम, हमें दो नंबर को ऐड करना है, आपने प्रॉब्लम बनाया होगा इसका, हमें दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हम एल्गोरिदम लिखने वाले हैं, सो नाउ राइट अ क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिदम, write an algorithm to add two numbers, clear है? कैसे solve करेंगे कोई बताओगे आप मुझे?
बताइए। तरीका देखिए, बहुत सारे बुक में जाओगे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीका मिलेगा आपको। आई थिंक अंकुर, यस अंकुर, यस सर। सर वी विल टेक अ वेरिएबल एंड वी एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ये तो प्रोग्रामिंग में ना करते हैं ऐसे, बट हमें स्यूडो कोड लिखना है, अभी एल्गोरिथम लिखना है, तो उसके लिए देन वी एंटर अ नंबर। ठीक है, हाँ। तो पहला स्टेप क्या, जैसे जो हम सोचते हैं वही लिखते हैं, सिंपल सी बात। देखो एल्गोरिथम इतना आसान क्यों होता है पता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी को इंग्लिश लाइक वर्ड में राइट डाउन करते हैं, है ना, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो देखो हमें जब दो नंबर को ऐड करना होगा तो क्या प्रोसीजर होगा, फर्स्ट प्रोसीजर होगा कि हाँ एक चीज और, पहली बात तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्गोरिथम ऐसे लिखते हैं। देखो प्रोसीजर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मतलब जो कि आपको लिखना होगा, सबसे पहले आप एल्गोरिथम लिखोगे ऐसे, ऐसे दोगे, क्या टास्क परफॉर्म करना है, टू एड, लिखोगे क्या काम है आपको, टू एड टू नंबर्स, क्लियर है। अब यहां से स्टेप स्टार्ट होगा आपका, स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन, तो बताओ स्टेप वन में क्या करोगे आप, दो नंबर को ऐड करना है, टेक फर्स्ट नंबर ए, है ना, टेक फर्स्ट नंबर ए, मान लो मैंने उसको ए बोला, फर्स्ट नंबर को क्या बताया ए, स्टेप टू क्या होगा, सिंपल मैं लिखूंगा यहां पे, टेक सेकेंड नंबर नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, हमने दो नंबर ले लिया, अब हमें क्या परफॉर्म करना होगा, एडिशन, परफॉर्म क्या लिखूंगा मैं यहां पे, परफॉर्म एडिशन ऑफ ए एंड बी, है ना, एंड स्टोर स्टोर इन सी, और कहां स्टोर करना है, सी में स्टोर करना है। अब एक चीज देखो, एक चीज और मैं यहां पे आपको बता देता हूं, एक चीज और आप यहाँ पे राइट कर, जैसे मैंने स्टेप वन स्टेप टू लिखा है ना, इससे पहले मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं एक स्टेप और भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कभी भी आपको शो करना हो ना स्टेप वन स्टेप टू ऐसे, तो स्टेप वन आप ऐसे लिख सकते हो, स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्टार्ट लिखना है, क्या लिखना है आपको, स्टार्ट, क्या लिखना है आपको, स्टार्ट या फिर बिगिन लिखना पड़ेगा आपको, स्टार्ट या क्या फिर लिखोगे आप, बिगिन, कोई दिक्कत, ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, बट स्टैंडर्ड बुक जो होते हैं, स्टैंडर्ड जो है ना, वहां पे ये लिखा हुआ है, आपको क्या करना होगा, जब भी कोई एल्गोरिथम स्टार्ट स्टेप पढ़ने, क्या होगा, स्टार्ट और बिगिन, क्लियर है, स्टार्ट या बिगिन, देन फर्स्ट स्टेप टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, परफॉर्म एडिशन ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर इन सी, ये होगा थर्ड स्टेप, एंड देन लास्ट क्या होगा, रिजल्ट हमने स्टोर कर लिया, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फाइव क्या होगा, डिस्प्ले करना होगा रिजल्ट को, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले रिजल्ट, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले रिजल्ट, और उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा, स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप सिक्स क्या लिखेंगे हम, स्टॉप, क्या लिखेंगे, यदि आप यहां पे स्टार्ट यूज करते हो तो यहां पे क्या लिखोगे, स्टॉप, आप यदि बिगिन यूज करते हो तो क्या लिखोगे यहां पे, एंड, कोई इशू, क्लियर सबको, यदि सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, अभी तक आई थिंक कितने बच्चों ने किया थम्स अप, अभी भी देखो रोल नंबर 51, 47, रोल नंबर 11,
64, ये सारे बच्चे को आई थिंक समझ में नहीं आया मुझे ऐसा लगता है, 34, 75, 61, ये सारे बच्चे अभी भी थम्सअप नहीं किए। एक बार सारे बच्चे थम्सअप करो, एक मिनट का समय है, थम्सअप करके होल्ड करके रखना, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जो है एक्टिव है एक्चुअली में। सारे बच्चे थम्सअप करके छोड़ेंगे एक मिनट के लिए। और कैमरा मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑफ है, तो ये गलत बात है, अभी मैं रिमूव करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, सब लोग थम्सअप को थम्सअप करना बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए। अब मुझे बताएंगे जिन बच्चों को डाउट है वो हैंड रेस करेंगे, जिन बच्चों को डाउट है वो हैंड रेस करेंगे। अभिषेक, यस अभिषेक, यस अभिषेक, अच्छा आपको डाउट नहीं है। और कोई, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप थम्सअप करेंगे, यहाँ हैंड रेस करने का ऑप्शन है, किसी को भी डाउट है तो। नहीं करोगे इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप सबको समझ में आ बात चीजें आ गई, यस नो? ओके, मैं पूछ लेता हूँ रैंडम, किससे पूछ लेता हूँ मैं, यस 79 रोल नंबर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप, मैंने अलाउ कर दिया है। $79 आपको यदि मेरी आवाज आ रही थी, कम से कम थम्स अप करके बताइए कहां मेरी आवाज आपको सुनाई दे पा रही है। $79 यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार थम्स अप कीजिए। इसका मतलब यह है कि ना तो आपको क्लास में है, आप कहीं और बिजी हैं, ठीक है बच्चों, उनको रिमूव कर देने में ही बेटर है। चलिए ओके, यस यस 72 रोल नंबर, 72 रोल नंबर, यस। कैमरा ऑफ आप क्यों रखे हो? $72 आप बताइए, समझ में आ गया आपको? यस सर। अच्छा ये बताइए एल्गोरिथम में जो है कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एल्गोरिथम को? यस यस सर, एल्गोरिथम को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एल्गोरिथम को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीके से सर। कौन कौन सा तरीका है, नाम बता सकते हो आप? सर पीसो कोड, स्यूडो कोड, उसको स्यूडो पढ़ते हैं, ठीक है, स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट। वेरी गुड, ठीक है, बस इतना टाइम लगाओगे तो थोड़ा सा डाउट होता है फिर, है ना? डाउट नो सर, आप बोल रहे थे जा नहीं रहा है आवाज सर। ओके, नेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, अब सही है आई थिंक। हाँ चलिए, नेक्स्ट एक दो बच्चे को मैं और भी पूछूंगा। रोल नंबर 16, रोल नंबर 16, यू कैन अनम्यूट और कैमरा ऑन कीजिए, जिनका मैं नाम लेता हूँ कैमरा ऑन होना चाहिए उनका। चलिए नॉट रिप्लाइंग, इवन नॉट, ओके चलिए। रोल नंबर 25, रोल नंबर 25, रोल नंबर 25, यू कैन अनम्यूट। चलिए आपने भी रिप्लाई नहीं दिया, ओके। रोल नंबर 12, कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, रोल नंबर 29, अजीत, कोई डाउट है अजीत आपको?
नो सर कॉल आ गया था अभी। और ये समझ में आ गई बात जो मैंने बताया अभी? यस सर। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ओके तो बच्चों आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो ये समझ में आ गया कि फ्लो चार्ट कैसे, सॉरी एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, ये मैंने बताया। ठीक है, आप बहुत सारे रिसोर्सेज को देखोगे ना, वहाँ पे चार स्टेप में तीन स्टेप में कंप्लीट कर दिए गए, बट जो स्टैंडर्ड वे यही है आपको मैंने बताया। जब भी आप करोगे तो स्टार्ट और स्टॉप करना होगा, ये बताता है कि हमारा जो काम यहाँ स्टार्ट हुआ है और ये हमारा काम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि फ्लो चार्ट के लिए क्या, फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं। अब हम जो भी डिस्कस करेंगे इस पे मैं और भी डिस्कस करूंगा एग्जांपल्स को, बट राइट नाउ हम फ्लो चार्ट पे मूव करते हैं। और इसी को बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडो कोड भी कहते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इसी को हम स्यूडो कोड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या ये कोड रन कर सकता है? पता है इसको एक फॉर्म में और भी हम इसको एक तरीके से और भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज को हम एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं कैसे, इस चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे सेम एल्गोरिथम को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं, जैसे स्टेप वन लिखूं और स्टार्ट करता हूं, मान लो स्टेप टू मैं लिखूं ए इक्वल्स टू है ना 10, स्टेप थ्री B equals to 20, step 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ C equals to A plus B and step 5 print C और step 6 क्या है ये? Stop। अब मुझे बताओ ये जो मैंने बताया क्या ये भी एल्गोरिथम है? हाँ ये भी एल्गोरिथम है, ये भी इंग्लिश लाइक वर्ड है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एल्गोरिथम है, ये भी एल्गोरिथम है। ठीक है बच्चों, बट ये इसको गौर से देखो, ये जस्ट लाइक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसा ही लगेगा। तो इसको हम स्यूडो कोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्यूडो कोड। एक्चुअली एक्सक्यूट होने वाला नहीं है, ये भी एक्सक्यूट होने वाला नहीं है, तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? स्यूडो कोड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्यूडो कोड। क्लियर है? क्योंकि ये इसके हेल्प से हम प्रोग्राम को लिखेंगे, कोड को लिखेंगे, बट ये जो कोड है ये रन करने वाला नहीं है, ये स्यूडो कोड है, फॉल्स कोड है। बट हमको जब रन करना होगा उसके लिए हमको प्रॉपरली क्या करना होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखना होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? ओके तो हम लोग फ्लो चार्ट पे मूव करते हैं। चलिए फ्लो चार्ट में मूव करने से पहले मैंने फ्लो चार्ट बताया था ना, क्या है फ्लो चार्ट बताइए एक बार, डिफाइन फिर से कर देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। सो यू कैन राइट ए फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब है कि हर एक चीज के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल होंगे, कुछ फिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे टेबल बनाने वाला हूं। यहाँ पे आपका सिंबल होगा, यहाँ पे सिंबल होगा, उसका उस सिंबल का नाम होगा और उसका डिस्क्रिप्शन होगा कि क्या क्यों यूज करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे सिंबल होगा, देन क्या होगा बच्चों? नेम, सिंबल नेम और देन पर्पस या फिर उसका एक्शन, मतलब क्या उसका काम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो सबसे पहला जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं,
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं या किसी किसी बुक में आप ऐसे भी देखोगे, ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होता है ओवल, इसको ओवल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओवल। इसका नाम क्या है? ओवल। ठीक है, क्या है इसका? ओवल। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्टार्ट या एंड, स्टार्ट स्टॉप दैट इज टर्मिनल। टर्मिनल मतलब स्टार्टिंग कहां से हुआ है और एंडिंग कहां पर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं, दैट इज कॉल, ये क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। इसका यूज क्या होता है बच्चों? इसका यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए। जब भी हमें कुछ इनपुट, जहां पे हम इनपुट परफॉर्म करेंगे या आउटपुट परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे इस सिंबल को यूज करते हैं। इसका यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए। क्लियर है बच्चों? देन कम्स रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल सिंबल। इसका यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए। जहां भी प्रोसेसिंग होगा, जहां पे कैलकुलेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा, तो वैसे जगहों पे हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? दिस। इसको हम कहते क्या है? दिस इज रॉम्बस। क्या बोलते हैं? रॉम्बस बोलते हैं। ठीक है बच्चों? अब इसका यूज क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए। जहां भी हमें डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने की बात आती है कि पार्टिकुलर कंडीशन के बेस पे हमें यहां जाना है या यहां जाना है या ये टास्क परफॉर्म करना है, तो वैसे जगहों पे हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए इसको सिंबल को यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है बच्चों? डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके अलावा ऐसे सिंबल्स भी मिलेंगे आपको, ऐसे सिंबल्स भी आपको मिलेंगे, जस्ट वन मिनट। एरो सिंबल भी मिलेंगे आपको। इसका काम होता है, इसको कहते हैं एरो, फ्लो, फ्लो के लिए, फ्लो लाइन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लो लाइन। मतलब फ्लो लाइन का मतलब क्या हुआ? कि कैसे कैसे आपका प्रोग्राम फ्लो हो रहा है, स्टेप वन के बाद स्टेप टू, स्टेप टू के बाद स्टेप थ्री, जैसे जैसे जाएगा वो, उसको हम फ्लो की लाइन कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो लाइन कहते हैं। और उसके अलावा एक और भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बच्चों, दिस वन, दिस कॉल्ड सर्कल। इसको कहते हैं कनेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर इन द सेंस कि जब भी कभी कभी दो अलग अलग फ्लो लाइन से आएगा और कहीं ना कहीं पार्टनर पर मीट होगा, टर्मिनल पर मीट होगा, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है कनेक्टर। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ सिंबल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो एडवांस टाइप ऑफ जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, बट जो बेसिक जितना आपका यूज है उस उतने पे आप इससे काम आसानी से कर सकते हो और इतना आपका काफी है। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है तो बताइए इसमें, किसी को भी डाउट है तो। डाउट नहीं है तो अभी सेम जो मैंने बताया था टास्क को कि एडिशन ऑफ टू नंबर, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको फ्लो चार्ट के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए ये किसी को नोट डाउन करना है तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉसिबल हो तो। चलिए नहीं करना है तो मैं अब आगे मूव करता हूं। सो राइट अ फ्लो चार्ट टू एड टू नंबर, मतलब दो नंबर को ऐड करने के लिए आपको क्या बनाना है? फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहला बताओ क्या होता है? मैंने बताया था आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट या एंड, यही होता है ना, स्टार्ट या फिर एंड। तो हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट लिखेंगे, देन क्या बताया था मैंने आपको, रीड, रीड नंबर वन, नंबर टू, आप चाहो तो अलग अलग भी रीड कर सकते हो, आप चाहो तो एट द सेम टाइम सेम बॉक्स में। और रीडिंग के लिए मैंने क्या बताया था, इनपुट के लिए मैंने इनपुट के लिए बताया था आपको पैरेललोग्राम, याद होगा
बताया था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीड ए एंड बी, मतलब आपको ए बी के फॉर्म में इनपुट लेना है, क्या लेना है, ए और बी इनपुट लेना है। देन क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अभी जो दो स्टेप अलग अलग जो मैं लिखे थे, रीड फर्स्ट नंबर रीड सेकंड नंबर, आप चाहो तो अलग अलग भी करके लिख सकते हो और चाहो तो आप साथ भी लिख सकते हो, कोई सो नहीं है। यदि आप एक साथ रीड कर रहे हो अपने प्रोग्राम में तो सिंपली यूज कर दोगे, आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करके रीड कर रहे हो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू है। चलिए नेक्स्ट, मैंने क्या बोला, अब क्या करना है, जब नंबर हम रीड कर लेंगे तो हमें एडिशन करना होगा, यस नो? तो वो जो एडिशन क्या है, प्रोसेसिंग ही है ना एक तरह का। तो प्रोसेसिंग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रोसेसिंग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, रेक्टेंगल यूज करते हैं और यहां पे हम क्या लिखेंगे प्रोसेसिंग करने के बाद, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हमारा क्या है प्रोसेसिंग हो गया, ये क्या है हमारा प्रोसेसिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, जब हमने एडिशन करके सी में स्टोर कर लिया, शो करना होगा ना हमें रिजल्ट को, तो हम क्या लिखेंगे, शो करने के लिए मैंने इनपुट और आउटपुट के लिए सेम बताया था, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रिंट और डिस्प्ले, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो देना है, डिस्प्ले सी, डिस्प्ले सी, और लास्ट आप क्या करोगे, क्या है स्टॉप, क्या है स्टॉप, तो स्टार्ट हो गया स्टॉप हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लाइंस हैं उस लाइंस को आप कनेक्ट कर दो, ये फिर ये, जस्ट वन मिनट बच्चों, यस बच्चों, तो मैंने क्या बोला स्टॉप, तो अब हम क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे उसको कुछ इस तरह से, ये क्या है आपका कनेक्टर्स है, अब इसको आप इस तरह से एरो करके फ्लो ऐसा होगा कुछ, फ्लो ये फ्लो होगा आपका, जस्ट वन मिनट, और क्लियर है बच्चों, ये सबको क्लियर है, एक बार थम्सअप कीजिएगा जितने बच्चे को समझ में आ गई बात है, जितने भी बच्चे जिनको समझ में आ गया वो थम्सअप करेंगे, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे को समझ में आ गई है चीजें, ओके वेरी गुड। तो बहुत इजी है आई थिंक, देखो 31 डॉलर में अभी भी सोच रहे हैं कि क्या, वो खुद को सोच रहे हैं कि मुझे समझ में आया या नहीं आया, मैं डिसाइड करके बताऊंगा तो एक दो दिन के बाद, यस नो, यस 31 डॉलर नंबर कैन अनम्यूट, यस सर समझ में आ गया, यस सर, यस सर, ओके। तो जब थम्सअप करने के लिए बोला जाता है तो आप थम्सअप कीजिए, सर किए थे सर, ओके वेरी गुड। चलिए और कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डाउट है, चलिए आप सारे थम्सअप बंद कीजिए, जिसको डाउट है केवल वो थम्सअप हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन होता है, ऐसा होता है ठीक है, आप देखिएगा, तो थम्सअप भी है हैंड रेज का भी ऑप्शन है, तो जिनको भी डाउट है वो केवल हैंड रेज करेंगे, जिनको इसमें डाउट है अभी भी, किसी को डाउट नहीं है, तो चलिए एक हम क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग भी देखेंगे और उसका हम लोग सिंपल एल्गोरिदम भी लिखेंगे और फ्लो चार्ट भी लिखेंगे, ठीक है, एक एल्गोरिदम भी और फ्लो चार्ट भी। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको, जैसे एक नंबर एंटर करना है उसको चेक करना है वो ऑड इवन है या नहीं, ठीक है बच्चों, यहां पे हम डिसीजन मेकिंग भी यूज कर लेंगे। देखिए तो राइट अ एल्गोरिदम, तो देखिए जब भी आपको एल्गोरिदम बोला जाए ना, इट मींस दैट कि आप दोनों, आप सुडो कोड भी लिख दो उसका और क्या लिख दो आप फ्लो चार्ट भी लिख दो, पर सिंपली जब फ्लो चार्ट ही बोला जाए तो केवल आपको फ्लो चार्ट लिखना है, जब सुडो कोड बोला जाए तो आप सुडो कोड लिखोगे, बट सिंपल एल्गोरिदम की बात करते हैं तो आपको साल में लिखा भी होगा कि किसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, फ्लो चार्ट के हेल्प से या सुडो कोड के हेल्प से, ठीक है। चलिए तो आपका जो प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ एल्गोरिदम, सिंपल लिखता हूं राइट एन एल्गोरिदम एल्गोरिदम टू
check whether entered number is odd or even. क्या है? Odd है या even है? इसको चेक करने के लिए आपको लिखना है. तो पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, स्यूडो कोड या जिसको बोलते हैं, और देन फ्लो चार्ट. ठीक है, तो मैं यहां पे एक लाइन, सिंगल लाइन देता हूं, जस्ट वन मिनट. चलिए एक मैं लाइन देता हूं पहले, बीच बीच इधर मैं क्या लिखूंगा, स्यूडो कोड इधर मैं लिखूंगा फ्लो चार्ट. ठीक है, अब स्यूडो कोड देखिए क्या है. जैसे मैंने क्या बताया, एल्गोरिथम क्या है हमारा, पहले एल्गोरिथम का ये एडिशनल आप लिख सकते हो, अच्छा रहेगा के लिए भी, टू चेक ऑड और इवन. क्या चेक करना है, ऑड और इवन, ये आपका एल्गोरिथम है. स्टेप वन क्या होगा, स्टार्ट. स्टेप टू क्या होगा, टेक अ नंबर, या सुनो जिसको चेक करना है, नंबर एन. अगला क्या करोगे आप बताइए, स्टेप थ्री में क्या करोगे, कोई बताओगे मुझे? यस एनीवन, कोई भी? स्टेप थ्री में अब उस नंबर को कैसे चेक करेंगे, वो ऑड और इवन है बताइए. उस नंबर को हम टू से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा तो वो इवन होगा, नहीं आएगा तो ऑड. तो हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, स्टेप थ्री, एंटर कर दिया, और यहां पे लिखेंगे इफ है ना, इफ एन मॉड्यूलर डिवीजन टू इक्वल्स टू क्या होगा, मान लो जीरो के बराबर है, देन क्या प्रिंट करोगे, देन प्रिंट व्हाट, इवन. एल्स में क्या, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या लिखोगे, प्रिंट, और ऐसे ही होगा ना. और देन स्टेप फोर में क्या करोगे आप, स्टॉप कर दो. यही प्रोसीजर है आपका. चलिए इसके लिए फ्लोचार्ट हम लिखते हैं. तो फ्लोचार्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहला काम तो हमें ये ड्रॉ करना होगा, स्टार्ट इन, देन क्या होगा हमारे लिए, इनपुट के लिए, देन चलिए. तो अभी पहले इतना काम कंप्लीट करते हैं हम लोग. सबसे पहले स्टार्ट है ना, रीड एन, जो भी नंबर रीड एन होगा. उसके बाद क्या होगा बच्चों, कंडीशन चेकिंग होगा ना. तो कंडीशन चेकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, देखिए कंडीशन चेकिंग के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, ये क्या है, कंडीशन चेकिंग के लिए यूज होता है. और इसमें क्या लिखोगे आप, इज ऐसे लिखोगे, इज एन मॉड्यूलर डिवीजन टू इक्वल टू जीरो, क्या लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, क्या एन को जो टू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा क्या वो जीरो के बराबर है क्या. तो दो चीजें हो सकती है, या तो यस या तो नो, यही होगा ना. तो यहां से दो चीजें, दो ब्रांचेस निकलेगी, एक यस वाली और एक नो वाली. या तो ये डिसीजन जो हमने लिया है वो ट्रू हो सकता है, या क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है. क्लियर बच्चों? देखिए तो पहला क्या है आपका, यस होगा तो क्या होगा, नो होगा तो क्या होगा. यदि ये कंडीशन यस हुआ, मतलब यस क्या एन
मॉडुलर डिवीजन टू कॉस्ट इक्वल टू जीरो, क्या दूसरी डिवाइड करने के बाद जीरो आया है? तो आप या तो बोलोगे यस या तो बोलोगे नो। यस बोलोगे तो क्या होगा, क्या प्रिंट करना है देन? इवन। तो यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, आपको पता है ऑलरेडी, पता है आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा, जस्ट वन मिनट। और नो होगा तो क्या होगा, वो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। एंड देन जिस तरह से होगा, एंड देन कुछ इस तरह से होगा, ये कनेक्टर हो गया और देन क्या होगा इस तरह से। सो अब मुझे लिखने दीजिए, तो पहला यस yes होगा तो क्या होगा, यदि डिवाइड करने पर जीरो के बराबर आएगा तो क्या लिखोगे, डिसअपीयर्ड। प्रिंट क्या, प्रिंट इवन, और नहीं आएगा तो क्या लिखोगे आप, प्रिंट क्या ऑड, और ये कनेक्टर हो गया, सारे को ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, इसको ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्रांचेस यहां से हैं, ये ब्रांचेस यहां से हैं, और ये ब्रांचेस ऐसे, और यहां पे क्या होगा, स्टॉप। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है आप सबको बताइए, एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है तो हैंड है। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, ये स्यूडो कोड हो गया, आई होप इट इज क्लियर। किसी को भी डाउट है, किसी को भी, तो बताएंगे। किसी को डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया, तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अगले क्लास में हम और भी, अभी मैंने बता दिया कि फ्लोचार्ट एल्गोरिथम क्या है, अमित को, यस अमित, यस अमित, यस सर, ये सर्कल जो कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं तो उसका यहाँ पे यूज नहीं समझ आया। देखिए कभी कभी जैसे इधर से भी ब्रांचेस आए हैं, इधर से भी ब्रांचेस आए हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांचेस फिर फ्लो सिंगल होगा ना, कहीं तो मिलेगा वो, आपको स्टॉप भी करना है ना, तो इसलिए हम करते कनेक्टिंग के लिए, ताकि एक फ्लो आपको एक आउटपुट मिलेगा। या तो देखिए क्या दोनों एट अ टाइम मिलेगा क्या, नहीं, या तो ये फ्लो इधर से ऐसे आके ऐसे मिलेगा, या फिर ये फ्लो आके इधर से आके ऐसे मिलेगा, तो एक कनेक्टेड हुआ कि दो अलग अलग जगहों से डायरेक्शन से आ रहा है तो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो जहां से सर दो किस्म का एरो आ रहा होगा उसको एक साथ कनेक्ट करके सिंगल फ्लो करने के लिए कनेक्टर का यूज किया जाता है, इसके बाद ही तो अब यहीं से फिर डिसाइड होगा ना। देखिए अभी तो ये सिंपल प्रॉब्लम था ना, सिंपल था आपका, कभी और भी कॉम्प्लेक्सेस आएंगे जब वहां पे प्रॉब्लम बीच में बहुत जगहों पे हमें करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा, तो वहां पे ये सब चीज आपको समझना है, तो अगले क्लास में ऐसे एग्जांपल्स को लेकर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आई थिंक इट इज क्लियर, तो आप हम लोग आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना, और फिर अगले क्लास में कुछ और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।